बेगम साहिबा, ये आप क्या कर रही है? ये तो बहुत ही खतरनाक जहर है। आप सनम को मार नहीं सकती। एक साल पूरा होने तक आप उसे मारना तो छोड़ो, टच भी नहीं कर सकती। बस आपको अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखना पड़ेगा, फिर उसको जैसी मौत देनी हो दे देंगे। हम सनम को नहीं मार सकते तो क्या हुआ, खुद तो अपनी जान ले सकते हैं ना। नहीं बेगम साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? अल्लाह ताला कोई ना कोई नया रास्ता जरूर निकालेगा। और हाँ, अभी चीजें इतनी भी नहीं बिगड़ी है। मैं तो आपके साथ हूं ना, अगर आपके साथ फुटपाथ पर भी सोना पड़ा तब लोग वहां भी आपके साथ रहेंगे। बकवास बंद करो रजाक। ये सनम ने जब से अपने पैर से खून निकाला है ना, तब से आहिल का दिल उसके लिए बहुत पिघल गया और वो हमारी कोई भी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं। उसे लगता है कि सनम इस दुनिया की सबसे अच्छी औरत है और आहिल के दिल से सनम को निकालने के लिए उसे एक बहुत बड़ा झटका देना होगा, जिससे उसे लगे कि जो कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है वही सही है। बेगम साहिबा, आपकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी हैं। टनाटन। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। गुड मॉर्निंग अम्मी, कैसा फील कर रही हैं आप? कैसा फील करेंगे आहिल, जब हमें ये पता है कि कोई हमारी जान लेना चाहता है। वो इंसान कैसा फील करेगा जब उसे हर बात में पता हो कि उसके सारे घर वाले उसे मिलकर मारना चाहते हैं? उसे कैसा महसूस होगा? अम्मी ऐसा कुछ नहीं, जो कुछ भी हुआ कल वो अनएक्सपेक्टेड एक हादसा था। क्या मिला है इसमें? क्या मिला है सनम तुमने इसमें? जी क्या हुआ अम्मी? आहिल बेटा, तुम नहीं जानते, ये सनम ना हमें मारना चाहती है, इसने जरूर इसमें कुछ मिलाया होगा। तुम जानते हो ना कि हमें ठंडा दूध कभी पसंद नहीं है। हमने हमेशा सबको बताया है कि हमें गर्म दूध पसंद है और हम गर्म दूध पीते हैं, तो फिर इसने हमें ठंडा दूध क्यों दिया? ये हमें मारना चाहती है आहिल। नाश्ते के वक्त हम ठंडा दूध पीना चाहते हैं। क्या लेकिन आप ही ने तो मुझे कहा था ना? हमने कुछ नहीं कहा था, समझे? आहिल बेटा, हमारा यकीन करो, ये हमें मारना चाहती है। हम इसके हाथ का बना हुआ कुछ नहीं खाएंगे। गजाला कहाँ? आइल बेटा, गजाला को बुला, वो हमारे लिए नाश्ता लाएगी। इससे हम कुछ नहीं खाएंगे। अम्मी, कोई आपको नहीं मारना चाहता है, कोई भी आपका दुश्मन नहीं है यहाँ पर। अम्मी एक काम करते हैं, इफ यू डोंट माइंड, हम आज ही डॉक्टर के पास चलते हैं, वो आपकी अच्छी देखभाल करेंगे। ट्रस्ट मी अम्मी, बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स। हमारा बेटा ही हमारी बात पर यकीन नहीं कर, तभी ये मामूली सी नौकरानी हमारे सर पर बैठकर नाच रही है। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि इस दूध में कुछ मिला हुआ है तो आपको साबित करने के लिए दूध मैं पीऊंगा, ठीक है मैं? तुम क्यों पियोगे? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे यार, कि दूध मैं पीऊंगी, क्योंकि मुझ पे इल्जाम लगा है ना, और इस घटिया इल्जाम के साथ मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैं ये दूध पीऊंगी और ये साबित कर दूंगी कि इसमें कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। अगर इन दोनों में से किसी ने भी ये दूध पी लिया ना, तो समझो सारी कहानी खत्म। फिर तो हमें रास्ते पर भीख मांगने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी अम्मी, अगर इन्हें कुछ परेशानी हो रही है तो इसे मैं ठीक करूंगा। देख लिया हमने, क्या था ना मैंने आपको,
ग्लास में कुछ नहीं, दूध में कोई अम्मी अम्मी प्लीज अम्मी आंखें खोलिए अम्मी। अगर दो मिनट के अंदर बेगम साहिबा को यह दवा नहीं दी तो हमें सारी जिंदगी रोने की नौबत आ जाएगी। कुछ तो करना ही होगा बेगम साहिबा। अरे आगे खोलिए बेगम साहिबा। जब आपको पता था कि सनम ने दूध में जहर मिलाया तो भी आपने क्यों पी लिया? अरे बेगम साहिबा ये आपने क्यों पिया? अम्मी कुछ कहिए अम्मी। रियान तो फोन मुझे था। हेलो लालू आप क्या कह रहे हो? सनम ने बेगम साहिबा को जहर दिया। अरे और नहीं तो क्या? अरे सनम ने अपने हाथों से दूध में जहर मिलाया है। मुझे यकीन नहीं होता। जब तक आप नहीं आते तो मैं क्या करूं? नम ठीक है आप जल्दी आइए प्लीज। आहिबा क्या खालू सच कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सनम ने बेगम साहिबा को जहर दिया। बेगम साहिबा खाल ये कर क्या रहे हैं आप? कर रहे हैं आप खालू? जल्दी जाइए नमक का पानी लेकर आइए। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अम्मी को पानी पिलाना नमक का ताकि हम उन्हें उल्टी करा सके और सारा पेट में जो जहर है वो निकल सके। जल्दी जाइए। इतना वक्त हो गया, अगर वो नाटक भी कर रही है तो अब तक तो होश आ जाना चाहिए था ना। मेरे दिल में तो इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मरनी नहीं चाहिए तनवीर, नहीं मरनी चाहिए सहर। देखो ऐसे घबराओ नहीं। ओके मैं जाके देखती हूँ। हाँ बेगम साहिबा ठीक है? अरे वो मर रही है। नमक पानी लिया है। अम्मी अम्मी जरा मुंह खोल। फिर से बेगम साहब, रेहान रेहान हम तुम्हारी अम्मी हैं, हमें अम्मी कहकर बुलाओ। तुम्हारी मैं जाके देखती हूँ कि डॉक्टर अब तक क्यों नहीं आया। अम्मी नमक वाला पानी नहीं पी रही है। अम्मी अम्मी डॉक्टर साहब देखिए देखिए जरा अम्मी को। मैं चेक करता। अम्मी आंखें नहीं खोल रही है। अम्मी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कुछ कहिए प्लीज। मुझे डर है कि हम इन्हें खो देंगे। मैं नमक पानी लिया है। अम्मी जरा मुंह खोल।
घर से बेगम साहब। रेहान, रेहान हम तुम्हारी अम्मी हैं, हमें अम्मी कहकर बुलाओ। अम्मी ठीक तो हो जाएगी ना उसके साथ? डॉक्टर साहब कुछ कहिए प्लीज। मुझे डर है कि हम इन्हें खो देंगे। इन्हें कौन सा जहर दिया गया ये मुझे मालूम नहीं, और बिना ये बात जाने मैं इन्हें जहर काटने की कोई दवा नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब जी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम क्या इन्हें मरने दें? डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए। देखिए मैं कोशिश करता हूं। सनम तुमने अम्मी को जहर दिया था, बताओ कौन सा जहर दिया था? माहिल आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सनम तुमने अम्मी को जहर दिया था, अम्मी की हालत देखो। मैंने कुछ नहीं किया है। सनम प्लीज तुम बताओ, अभी बताओ। ऐसे कह भी कैसे सकते हैं? सनम बताओ मुझे। मैंने कुछ नहीं किया है। सनम ये बदला लेने का वक्त नहीं है, यही मौका है इंजेक्शन लगाने का। बेगम साहब इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम उनकी जान ले लो। गलत समझ रहे हो रे आहिर, आप दोनों को हो क्या गया? सनम प्लीज बता दो कौन सा जहर दिया है तुमने उन्हें। बेगम साहब आगे खोलिए। लेकिन आज तो बेगम साहब, बेगम साहब हमें छोड़ के मत जाइए। अरे आप नहीं होंगे तो हम फुटपाथ पे आ जाएंगे। बेगम साहिब आपकी गाली खाए बगैर हमारा खाना हजम नहीं होता। अरे बात बात पे घर से निकलने की धमकी कौन देगा? आहिल बेटा, अरे बेगम साहिब के हाथ ना हरकत की। अरे हाथ ही लाया। अम्मी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? इनकी नब्ज हरकत कर रही है, लगता है ये ठीक हो रही। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, मुझे चेक करने दीजिए प्लीज। ठीक ठीक खा लो। आइए डॉक्टर साहब प्लीज, अम्मी को होश आ जाना चाहिए। अम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। अम्मी को कुछ हो गया ना रेहान तो मैं। अल्लाह पर भरोसा रखिए आहिल भाई, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब अम्मी आप लोग उनसे मिल सकते हैं, वो अब खतरे के बाहर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अम्मी 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 ये आपने क्या किया अम्मी? आहिल बेटा हम बिल्कुल ठीक है, हमारी दुनिया तो तुमसे ही है आहिल बेटा। जब हमारा बेटा हमारे साथ है तो हमें कुछ नहीं हो सकता। और इंसानियत की बात होती थी मेरे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता था, सनम। मैं दुनिया को तुम्हारी नजरों से देखना चाहता था,
मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था, लेकिन आज मैं खुश हूं कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूं। मैं कभी इतना नहीं गिर सकता कि मैं किसी की जान ले लूं। कैसे समझाऊं रेहान को? रेहान, रेहान, मेरी बात सुनिए, रेहान मेरी बात सुनिए, रेहान। सुनहरी, सनम नहीं हो तुम, मेरी सुनहरी हो। देखो प्लीज मुझे बता दो, तुमने अभी पप्पा कहा था, तुमने अभी पप्पा कहा था, प्लीज मुझे कह दो कि तुम सनम नहीं हो, तुम मेरी सुनहरी हो। जीत मुबारक हो बेगम साहिबा। शर्त जीतने का मजा तभी आता है रजाक, जब जान दांव पर लगी हो, वरना बातें तो पूरी दुनिया करती रहती। क्या कहा था तुमसे हमने? कहा था ना कि चांद रात के पहले पहले हम सनम को इस घर से और हमारी जिंदगी से बाहर निकाल भेजते हैं। बनने का जो हमने कहा वैसा हमने करके दिखा दिया। अल्लाह, हमारे और हमारे ख्वाबों के बीच कोई नहीं आ सकता। मुझे तो पता ही था बेगम साहिबा, जीत तो आप ही की होनी थी। अरे आपकी तो जान भी जाते जाते बची है। सही कहा तुमने रसाक, आज हमारी जान जाते जाते बची है, वो भी तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। समझे, अगर आज थोड़ी सी भी देर हो जाती ना तो हम बेगम साहिबा से मरहूम बेगम साहिबा हो जाते। समझ में आया कुछ? जी तो करता है कि इस मसाला दूध में जहर मिला दे और तुम्हें पिला दे, ताकि तुम्हें पता चले रजाक की मरते वक्त कैसा एहसास होता है। समझे? अरे बेगम साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए बेगम साहिबा। देखिए, आपने जो भी काम बोला हमने किया ना, सही गलत जो भी लेकिन किया ना, मुझे माफ कर दीजिए। आपका दिल तो इतना बड़ा है, थोड़ी सी माफी तो दे दीजिए ना बेगम साहिबा। बस बस रजाक, बस 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 करो। तुम्हें चाहे कोई काम आता हो या ना आता हो, लेकिन अल्लाह कसम चापलूसी करना बहुत अच्छे से आता है। बस करो, बस जा। माफ किया तुम्हें रजाक, वैसे भी आज हम बहुत खुश। अगर तुमने आज माफी के अलावा कुछ और भी मांगा होता ना, तो वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। रजिया और तनवीर जैसी औरतों की बातों में आके मैं अपनी सगी बहन का घर उजाड़ रही थी रेहान, और जब तक मुझे इस बात का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, क्योंकि रेहान मैं बदल चुकी हूं। अब मैं वो पहली वाली चोर नहीं रही, मुझे मेरी हकीकत पता चल चुकी है, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया है। मुझे अपने अपने खानदान के बारे में पता चला है, यहाँ तक कि अपने असली नाम के बारे में पता चला है रेहान। और मैं सच कह रही हूँ,
तनवीर एक अच्छी औरत नहीं है। और मैं मानती हूँ कि आपके लिए ये बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप उसकी बहुत बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उससे। मैंने देखा था किस तरह उसे तकलीफ में देख के आपकी आंखें भर आई थी। हमारी दुनिया तो तुमसे ही है आहिल बेटा। जब हमारा बेटा हमारे साथ है तो हमें कुछ नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ कि मेरे बात पे यकीन करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, और मेरे पास भी अपने बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। लेकिन रेहान सच्चाई यही है कि वो बहुत चालाक और गिरी हुई औरत। आहिल पे कोई एहसान नहीं किया उसने बचपन से लेके आज तक। न जाने उसने आहिल के दिमाग में क्या क्या भर दिया है। अपने झूठे एहसानों के बोझ तले दबाया उसने आहिल को। तुमने भी तो यतीमों की जिंदगी गुजारी, तुम मेरा दर्द समझ सकती हो। सोचो तो कैसा लगता है कि मैं यतीमों की तरह खड़ा रहता हूँ और मेरी माँ किसी और को सीने से लगा के बेटा बोलती है। हमारी दुनिया तो तुमसे ही है आहिल बेटा। अगर तुम्हारे लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े, वो मुझे अपना भी नहीं सकती, वो तो मुझे बेटा भी नहीं बुलाती। और आज तक उन्होंने मुझे पूरी दुनिया के सामने सिर्फ उनका एक नौकर बनाकर रखा। खालू, ये क्या कर रहे हैं आप? अम्मी की तबीयत तो ठीक है? हाँ, ये थोड़ी कमजोरी थी तो पांव दबा रहा था। आप ये छोड़िए, आप जाइए, ये मैं करूंगा। अम्मी की सेवा करना उस पर सिर्फ और सिर्फ हक मेरा है। अम्मी आप ठीक तो हैं? मेरी अम्मी ये दावा करती हैं कि उन्होंने आज तक जो कुछ भी किया, जो कर रही हैं, वो सब मेरे लिए। लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए, और आधा वक्त मुझे इसका मतलब भी समझ में नहीं आता। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी अम्मी का थोड़ा सा प्यार चाहिए और थोड़ा सा वक्त। लेकिन इतने बड़े घर की बेगम मुझे ये भी नहीं दे सकी। अम्मी, आपने जो मुझे दिया है, जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया है, शायद उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। मुझ जैसे यतीम को एक 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 सगी मां से भी बढ़कर आपने प्यार दिया। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझ जैसे इंसान को आप जैसी अम्मी मिलेगी। एक सौतेली मां होने के बावजूद भी आपने जो प्यार दिया है ना मुझे, शायद ही कोई सगी मां भी दे पाती। एक सगी मां होके भी उन्होंने मेरे साथ जो सालूक किया है, वो तो कोई सौतेली मां भी अपने बेटे के साथ नहीं करती। हाय। ओ हाय। अब ये सब थोड़ी देर के लिए बंद करो ना प्लीज। बस थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हारे लिए तो बस तुम्हारा ये काम ही जरूरी है। मैं इतने प्यार से ये हॉट चॉकलेट लेके आई, उसका कुछ भी नहीं। मेरी प्रिंसेस को हुक्म करे और बंदा ना माने, ये तो हो नहीं सकता। क्या मिला है इसमें?
कुछ भी तो नहीं, सिर्फ चॉकलेट पाउडर डाला था और कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर इससे पहले आज तक मुझे ये हॉट चॉकलेट इतनी अच्छी क्यों नहीं लगी? इसमें जरूर कुछ तो स्पेशल मिलाया होगा। हाँ, याद आया, अपना प्यार। अच्छा फिर, आज 31 दिसंबर है, तुम तो जानते हो कि साल का आखिरी दिन है। मैं कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ, मैं घर पे नहीं सेलिब्रेट करना चाहती। ये 31 हम घर में ही सेलिब्रेट करेंगे, हम बाहर नहीं जा सकते। तुमसे किसने कहा कि सारी स्पेशल चीजें बाहर होती हैं? स्पेशल चीजें घर में भी तो हो सकती हैं। ऐसा क्या स्पेशल करने के मूड में हो तुम, जरा हमें भी बताओ। क्या कर रहे हो फैज, और तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? अरे हो जाऊंगा रेडी, नहा लूंगा मैं। देखो यार, आज साल का आखिरी दिन है, और इस साल के आखिरी दिन को है ना, मैं तुम्हारे साथ और भी स्पेशल बनाना चाहता हूँ। कुछ चीजों का मजा इंतजार में ही होता है फैज, इसलिए इंतजार करो। अरे जब तुम भी राजी हो, मैं भी राजी हूँ, तो फिर कैसा इंतजार? मुझे ये घर नहीं पसंद। इस घर ने मुझे वो यादें दी हैं जो ना चाहते हुए भी मुझे कभी कभी डरा जाती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत इस घर के बाहर करें। मैं हमारी नई जिंदगी को ख्वाबों से भी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, एकदम रोमांटिक एटमॉस्फेयर। इसलिए हम बाहर वाले लॉन में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, मिलके जश्न मनाएंगे और आने वाले साल को वेलकम करेंगे खुले आसमान के नीचे तारों की रोशनी में। लेकिन अगर तुम्हें ये सब सही नहीं लग रहा है फैज, तो हम वही करेंगे जो तुम्हें पसंद हो। वैसे भी मेरी जिंदगी में तुमसे बढ़कर और कुछ भी नहीं, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। इसलिए जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा होगा। मेरी चाहत तुम्हारी आंखों से शुरू होकर तुम्हारी मुस्कान पर खत्म हो जाती है। तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसा होगा, हर चीज स्पेशल होगी। I love you so much. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।